लड़के को लेकर यहाँ आएंगे और भीड़ के सुपुर्द कर देंगे। यदि कोई होगा माइका लाल तो वो उनके डिमांड को पूरा करेगा। और इसकी माँ को सर दबाव बनाया कि बोलो यही लोग तुम लोग को उग्र प्रदर्शन करने के लिए बोली। सर पूरा खोज की है, महिला जवानों की तैनाती क्यों नहीं थी जिस वक्त की महिलाएं वहाँ से सब उठा कर आ रही थी, पुलिस जवान से रोक रहे थे। यहाँ का सीओ वीडियो भी है, बुलाइए उन लोग को सर। हमको इतना प्रभारी भी धकेल के बोला तुम लोग पे एफआईआर करेंगे, क्या हम लोग गुनाह किए सर? चुपचाप इसको चलाने ले जा रहे थे, हम लोग बोले नहीं, हम लोग प्रदर्शन का अधिकार है, प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, किसी के साथ होगा तो उसको डील करने का तरीका ये है, यानी इसको डील करने का तरीका ये है, डील करने का तरीका ये है। और ये पत्रकार कह रहे हैं कि एफआईआर देखिए, ये गलत डिमांड है। ये पुलिस ने पकड़ लिया है अपराधी को, ये लोग कहते हैं कि अपराधी को यहीं बुलाइए और अपराधी को ये लोग सजा देंगे। ये कोई तालिबानी समाज नहीं है ना, ये तो तालिबानी समाज की हरकत है। कानून अपना काम करेगी, स्पीडी ट्रायल होगा, एक महीने के अंदर सजा होगी, मैंने इनको आश्वासन दिया। जहाँ तक आर्थिक सहायता का सवाल है, आर्थिक सहायता जो मैंने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है वो देती है। हमने अभी कुछ और आपको पता है कि 2 लाख रुपये हमने तत्काल जो है उनको मदद किया है। इसके बावजूद भी जो उनका डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने, क्योंकि मैंने संविधान की शपथ खाई है और मैं उस डिमांड को पूरा करने में असमर्थ हूँ, तो जो उनका डिमांड पूरा करेंगे कि वो लड़के को लेकर यहाँ आएंगे और भीड़ के सुपुर्द कर देंगे, यदि कोई होगा माइका लाल तो वो उनके डिमांड को पूरा करेगा, नहीं तो जो होगा भगवान करेगा, अच्छा करेगा। उनका जो है बांग्लादेशी और बांग्लादेश के लोगों का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया है, यहाँ ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है और यहाँ का जो प्रशासन है, खासकर जो पुलिस प्रशासन है उसमें खासकर जो एक डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा जैसे लोग, उनका काम है बांग्लादेशियों को संरक्षण देना है। और पुलिस ने अपने काम को कर दिया है कि उनको बालू कैसे चोरी कराना है, उनको गिट्टी पत्थर कैसे चोरी कराना है, उनको कोयला कैसे चोरी कराना है और यहाँ से शराब जो है बिहार कैसे ले जाना है, इन 4 चीज़ों में लिप्त है। इसलिए पुलिस का जो काम है पुलिसिंग करना, जनता को प्रोटेक्शन देना, वो काम ख़त्म हो गया है। और इस कारण से पिछले 1-1.5 महीने में आप समझिए कि दुमका इसका एक कीपिंग सेंटर हो गया है। और जब हम अपराधियों के पीछे नहीं जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इमीडिएटली सज़ा नहीं करा पाते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देने वाले आप समझिए कि दुमका के जो वकील लोग हैं, बार काउंसिल के जो लोग हैं, उनसे भी मेरा अपेक्षा और आग्रह है कि इस तरह के केस जब आप लेते हैं तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मुद्दा ही सब कुछ नहीं होता है, आपकी भी बहू है, आपकी भी बेटी है, यहाँ तो दुमका में उनको वकील नहीं मिलना चाहिए था। इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो समाज में ये वहसीपन बढ़ता है, जिसकी ये प्रतिक्रिया है कि कोई भी जो है अपने रिवेंज में, गुस्से में, या आप समझिए कि बदलात्मक कार्रवाई में या वहसीपना में या राक्षसीपन में, धर्मांतरण के कारण महिलाएं और बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं घर से निकाल के। ये दूसरी घटना है, तीसरी घटना ऐसी है जो घर के अंदर हो गया। घर में यदि बच्ची सुरक्षित नहीं है तो बाहर कितनी सुरक्षित है? अभी लुईस जी कह रही थी कि अब तो हम लोगों को भी बाहर निकलने में डर लगता है। तो यदि मुख्यमंत्री में नैतिकता है तो ये उनका जिला है। सोरेन परिवार को इस दुमका ने बहुत कुछ दिया है,
एमपी बने, एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, पूरा खानदान यहीं से रहा है। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। मेरा उनसे विनम्र आग्रह होगा कि अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए। ऐसे भी आपने इलीगल जो है संथालपुना टेनेंसी एक्ट को बाईपास करके जो है वो ज़मीन कब्जा कर रखा है, जो दुमका का उनका घर है। केवल घर को छोड़कर जो बाहर बाउंड्री वॉल है, वो जो बहुत बड़े शराब माफिया हैं योगेंद्र तिवारी, उन्हीं की ज़मीन है। योगेंद्र तिवारी की ज़मीन को जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। क्यों दिया है योगेंद्र तिवारी ने ज़मीन, ये भी एक बड़ा विषय है। तो अब आपका यहाँ से दुमका से जाने का वक्त आ गया है। आप अपने घर जो है हजारीबाग में, जहाँ भी आपका घर है, आप यहाँ से चले जाइए, संथालपना को मुक्त करिए और संथालपना की व्यवस्था संथालपना के लोग अपने आप देख लेंगे। अरेस्ट होते हुए हंसता हुआ नजर आता है। नईम को पकड़ा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नूर मुस्तफ़ा जैसे जो है प्रोटेक्शन करते हुए पदाधिकारी नज़र आते हैं। अब आप समझिए कि ये तो हम लोगों ने काफ़ी, बाबूलाल मरांडी जी, लुइस मरांडी जी, सुनील सोरेन जी, हम लोग सभी गए, थोड़ा सा प्रेशर बना। नहीं तो जो वो दूसरी आदिवासी लड़की की घटना थी, उसको तो आत्महत्या के तौर पर जो है नूर मुस्तफ़ा बंद करने वाला था। तो जब अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार दिखाई देगी और उसमें लगता है कि अपराधी ही सब कुछ है, तो ये तो होगा है ना, उसका हवाला दिया ही जाएगा। आज एक महीने हो गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अभी तक हम शाहरुख को सज़ा नहीं दिला पाए। तो उसका हवाला होगा कि यदि वो बच गया, उसको तो लगता है ना, तो हम भी बच जाएंगे। इसलिए अपराधी इतने बड़े अपराध को जो है अंजाम देता है। लगता है कि ऐसी घटना आगे भी घटने वाली है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का प्रशासन चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग व्यवसाय है, बालू गिट्टी दारू व्यवसाय है, तो होगा ही ना। यदि प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन, यदि उसको जनता की सुरक्षा करना विषय नहीं हो, यदि उसको केवल चोरी चकारी और भ्रष्टाचार करना वाला विषय हो, तो इस तरह की घटना तो होगी। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि वो वक्त आ गया है कि संथालपना से, अपना दुमका से बोरिया बिस्तरा समेटे समेटे और हजारीबाग जहाँ उनका नेमरा घर है वहाँ चले जाएँ, यही उनके लिए बेहतर होगा।